बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं मौज़म अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरल डिज़ाइन हाउस। तो कोरल डिज़ाइन हाउस में आज हम दो टूल्स का इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे रोज़ दो तीन क्वालिटी में ना क्रिएट करें। तो चलते हैं अपने कोरल डिज़ाइन में, देखते हैं कौन से टूल के इस्तेमाल से हम बनाते हैं रोज़। तो आगे हम अपने कोरल ड्रा में जेड का बटन दबाएंगे और ये पेज को थोड़ा करेंगे बड़ा। इतना बड़ा करने के बाद पिक टूल लिया जी, और इधर हम इसको जो ना पिक्सल में कर लेंगे। वैसे तो सेंटीमीटर में भी काम होता है, लेकिन मुझे पिक्सल में ज़रूरत पड़ती है तो मैं पिक्सल में करता हूँ। इसको रखूँगा 1280 एंड इसको रखूँगा 720 और इंटर कर दूँगा। तो ये पेज हमारा आ गया सामने उसी साइज़ का जो हमने साइज़ ये दिया। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे ये दबा के, फिर इसको पूरे सेलेक्ट करेंगे ऐसे। ओके, इतना करने के बाद आल्ट के बटन साथ इसको साथ कर लेंगे मिडल। तो अब हम बनाएंगे रोज़। रोज़ कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने आना इधर, आप ये कॉम्प्लेक्स स्टार लेकर ये टूल आपने लिया, इसको ऐसे किया ड्रा, कंट्रोल का बटन लिया, साथ दबाया और साथ कर दिया ड्रा। और इधर से ऊपर से प्रॉपर्टी बार में इसकी आप प्रॉपर्टी बार में चेक कर सकते हैं आपकी ये चीज़ आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपने लिहाज से। और ऐसे ही ये चीज़ उस हिसाब से आप उसको अंदर की तरफ लेके आ सकते हैं जिस हिसाब से आप बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। और इसका थोड़ा कलर हम दे देंगे ये, और आउटलाइन का कलर दे देंगे ये। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको पूरे को सिलेक्ट करके देखें तो ऐसे आएगा। हम इसको करेंगे थोड़ा ऐसे ऊपर, और हम इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ अंदर की तरफ, और माउस का बटन दबाएंगे राइट बटन, और इसमें हम दे देंगे वाइट कलर और सेट में दे देंगे ये। ऐसे ही हम फिर इसकी एक और कॉपी करेंगे शिफ्ट के बटन के साथ ऐसे अंदर, माउस का दबाएंगे राइट बटन, इसको दे देंगे हम ब्लैक कलर और वाइट इसी कर देंगे पर्पल आउटलाइन। अब क्या करेंगे, इस पूरे को करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद माउस का इधर दबाएंगे राइट बटन, और ये जी आपको मिलेगा कंबाइन का बटन, कंट्रोल प्लस एल इसका शॉर्टकट की है। तो इस पर करेंगे क्लिक, तो ये आपका ऐसे जो है ना रोज़ की सूरत में ये बनकर आपका ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा। सही हो गया ये, देख आप इसमें कुछ भी कलर चेंज करके भी देख सकते हैं। ये देख हम ये वाला कलर देते हैं या ये वाला देते हैं, येलो वाला भी चेक कर सकते हैं और ब्लैक वाला भी देख चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आप आउटलाइन भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये देख आउटलाइन भी आप ब्लैक रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो ये कैसा लोगो लगा आपको, एक ये क्रिएट किया। अब हम इसी से करेंगे एक दूसरा क्रिएट, कैसे करते हैं। उसी कम्प्लेक्स टूल का लिया, इसको ये ड्रा किया, कंट्रोल का बटन दबाया, ये किया ड्रा, इसको किया ऐसे मिडल। मिडल करने के बाद क्या करेंगे थोड़ा सा लुक कर लेंगे बड़ा, कंट्रोल का बटन शिफ्ट का बटन दबाएंगे ताकि पूरा इक्वली हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें हम दे देंगे, इसमें भी हम दे देंगे ब्लैक कलर, तो ये कुछ आ जाएगा इस तरह की शेप में। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आपने थोड़ा सा वैसे ही अंदर की तरफ ड्रा करना है, ऐसे है माउस का दबाना है राइट बटन, और इधर आप इसको कर लें रेड, और आउटलाइन इसकी कर लें वाइट। ठीक हो गया, अब इसको पूरे को हम करेंगे सेलेक्ट,
सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसको करेंगे ऐसे अंदर की तरफ नहीं, पूरा सेलेक्ट करने के बाद इस पर करेंगे क्लिक और इसको ऐसे करेंगे रोटेट, ये माउस का दबाएंगे राइट बटन, तो ये एक बार कंट्रोल आर ये किया, फिर आप इसको करें पूरे को सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद माउस का दबाएं राइट बटन और इधर करें कंट्रोल एल और कंबाइन जो मैं आपको पहले बताया था, तो ये आपका निकल के आएगा कुछ इस तरह से, ये देख सकते हैं आप कलर भी चेंज करके चेक कर सकते हैं, ये देख तो ये आप ये लोगो है, आपके अंदर कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो ये ऐसे हो गया। और इसी को हम फिर एक बार और लेते हैं, नहीं अब हम लेते हैं पॉलीगन टूल को, ये ड्रा किया, इसकी हम थोड़ी सी ये चीज़ जो है बढ़ा लेंगे और इधर से शेप टूल लेंगे, उसके बाद इसको हम करेंगे बाहर की तरफ ड्रा, ये बाहर की तरफ ऐसे ड्रा करें, ड्रा करने के बाद इसको हम दे देंगे ये रेड कलर और आउटलाइन का हम दे देंगे ये वाला ग्रीन कलर, सही हो गया। तो ये करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अब घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे थोड़ा, माउस का राइट बटन दबाया, कंट्रोल आर किया, फिर कंट्रोल आर किया, तो कंट्रोल प्लस ए से करेंगे इसको पूरे, नहीं ये से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, हमको सिर्फ यही सेलेक्ट करना है, तो हम ड्रा करके इसको करेंगे सेलेक्ट और राइट बटन दबाएंगे और इसको भी करेंगे कंबाइन कंट्रोल एल, तो ये इस प्रकार से आप जो है ना ये देख आपके सामने ये बन के आ गया। तो इस प्रकार से आप इफेक्ट दे सकते हैं, हम इसी को ड्रा करेंगे और माउस का दबाएंगे राइट बटन, इसको अंदर की तरफ करेंगे, इसका कलर हम करेंगे ब्लैक और आउटलाइन करेंगे थोड़ी सी डार्क, तो ये देख। तो ऐसे आप बड़ी आसानी के साथ जो है ना आप रोज़ वगैरह और ये चीज़ें आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। हम अब जैसे स्टार है, हम ऐसे ये स्टार ले लेते हैं, इस स्टार को हम ड्रा करते हैं शिफ्ट के साथ, स्टार को ड्रा किया, ड्रा करने के बाद हम इसकी तादाद को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहें तो, ये बढ़ाने के बाद हम इसको शेप टूल लेंगे, शेप टूल लेने के बाद आप ऑब्जेक्ट में जाके ये कन्वर्ट कर्व कर सकते हैं, कर्व करके ये देखो आप जिस हिसाब से वो शेप को रखना चाहते हैं उसी हिसाब से वो रख सकते हैं। तो हमको शेप यही चाहिए, हम इसी को थोड़ा करेंगे बड़ा, बड़ा करने के बाद क्या करेंगे, बड़ा करने के बाद हम इसको करेंगे ऐसे कंट्रोल के अंदर की तरफ राइट बटन दबाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे, फिर कॉपी रिपीट होगा, फिर हम इस पूरे को क्या करेंगे सेलेक्ट और माउस का दबाएंगे राइट बटन और वही कंबाइन करेंगे कंट्रोल एल, तो ये आपके सामने ऐसी शेप निकल के आ जाएगी सामने, ये आप देख सकते हैं, सही होगा ये। तो वैसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह क्या नहीं बना सकते आप, सब कुछ आप बना सकते हैं, बस करने की लगन हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता, लगन होनी चाहिए बस। अब ये एलिफोन मैंने लिया, इसी से भी आपको मैं एक रोज़ क्रिएट करके बता देता हूँ कैसे करते हैं आप। इसको छोटा छोटा करेंगे, ये ऐसी तरफ घुमाएंगे, ये घुमाया, ये हम इसको लेकर आते हैं इधर ताकि आपकी आंखों के सामने इसको हम घुमा के इसको हम थोड़ा सा करेंगे और ऐसे जोर किया, और करने के बाद इसको हम करेंगे थोड़ा सा उस करके देखिए ऐसे लंबा, लंबा करने के बाद इसको हम थोड़ा कलर भी दे देते हैं ये वाला। अब इसको हम घुमा लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे इसे और इसको ऐसे इधर इतना घुमाएंगे, साथ ही माउस का राइट बटन
दबा देंगे और कंट्रोल आर आर दबाते जाएंगे तो ये रिपीट कॉपी होता जाएगा। इतना करने के बाद आप फिर इसी को हो जाना सेलेक्ट करें, इस पूरे को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एल दबाएं, तो ये कंट्रोल एल दबाएंगे तो वो जो है अंदर से कट हो के रोज की शक्ल में आ जाएगा। तो ये देखो, ये ऐसे आप बड़ी आसानी से रिपीट 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 करके रोज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने किया है। कोई बस कॉपी 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 का इस्तेमाल किया, बार बार उसको कॉपी किया और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट लिया उधर से, बस और उसमें कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसमें ज़्यादा आप समझेंगे बहुत मुश्किल किया। ये भी कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, करने से इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बस करना। वो कहते हैं ना कि इरादा पक्का होना चाहिए, अगर इरादे पक्के हों तो मंजिलें जो है ना वो बहुत फिर आसान हो जाती है। अगर इरादे पक्के ना हों, इरादे खुद के ख़राब हों, तो इंसान शिकायतें करे दूसरों की, ब्लेम करे किसी दूसरे पर, तो फिर तो ऐसे ही होगा ना कि उसका खुद का इरादा ही नहीं कुछ करने का। तो ये देखो बैकग्राउंड में पीछे कलर दे के आपको थोड़ा जो है ना हाइड करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन हाइड इसमें वाइट कलर से ही अच्छा है। तो ये देख, ऐसे जो है आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी तरह का लोगो, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके बना सकते हैं, जैसा आपको यानी कि जिस किस्म का आप बनाना चाहते हैं। सही होगा, अभी यही रोज़ इसको हम अगर ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे और ये अंदर की तरफ मैं कॉपी करूँगा और इसमें अगर मैं कोई और कलर दे दूँगा तो ये देख, एक पूरी इसकी कॉपी करूँगा और इसको अंदर हम दे देंगे ये अंदर इसकी शिफ्ट का कॉपी की इतनी, और इसको हम दे देंगे ब्लैक कलर। तो ये आपके सामने देखें जो है ना बड़ी आसानी के साथ ऐसे आप जितना काम करते जाएंगे उतनी क्लेरिटी आती जाएगी आपके काम में। तो आज का हमारा यही था ग्राफिक का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आपको किसी दूसरे लोग उसके बारे में इंशाल्लाह प्रॉपरली बताया जाएगा। अगर वीडियो लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज का फिलहाल इतना ही। ओ तेरी खैर।